नमस्कार, न्यूज लाइव MPCG.com में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं और कुछ ही घंटों में ये तय हो जाएगा कि देश में किस पार्टी की सरकार बन रही है। बात करें मध्य प्रदेश की तो 29 लोकसभा सीटों का भी डिसीजन कुछ ही घंटों में होने वाला है। हम अभी बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल माने जाने वाली भोपाल लोकसभा सीट की। यहाँ पर 8 विधानसभा क्षेत्र इस लोकसभा सीट के अंदर आते हैं और यहाँ पर क्या वोटों का गणित है और किस पार्टी को किस आधार पर कितने वोट मिल सकते हैं। दो प्रमुख उम्मीदवार जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से साध्वी प्रज्ञा भारती यहाँ पर मैदान में है, उनके सामने कांग्रेस की ओर से दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह मैदान में है। तो 8 विधानसभा सीटों पर किस तरह से वोटिंग हुई है और उसका क्या गणित निकल सकता है, क्या जातिगत समीकरण बन सकते हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। भोपाल की लोकसभा सीट पर जो 8 विधानसभा सीटें उसके अंतर्गत आती हैं उसमें क्या वोटों का गणित है। सबसे पहले बात करते हैं बैरसिया विधानसभा सीट की। यहाँ पर सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग जो है वो ओबीसी वोटर है। आप देख सकते हैं 38% ओबीसी वोटर है। इसके अलावा 22% जो है वो एससी वोटर्स हैं। इसके अलावा करीब 27% से अधिक जो है वो सामान्य वोटर यहाँ पर हैं। इसके अलावा लगभग 9% मुस्लिम वोटर भी यहाँ पर हैं। और इस तरह से यहाँ पर लगभग 76% कुल वोटिंग हुई है। बैरसिया विधानसभा सीट की अगर बात करें तो 76% यहाँ पर वोटिंग हुई है, जिसमें सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग ओबीसी वोटर है। और ख़ासतौर पर ये जो लोकसभा विधानसभा सीट है वो बीजेपी का गढ़ मानी जाती है और ओबीसी जो वोट बैंक है वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ इस समय जुड़ा हुआ है। तो ये फैक्टर काफ़ी काम कर सकता है। बैरसिया विधानसभा सीट पर 76% जो वोटिंग हुई है वो भी काफ़ी बड़ी संख्या में वोटिंग हुई है और ये वोटिंग किसके पक्ष में जाती है ये बस कुछ ही देर में पता चलने वाला है। बैरसिया के बाद अब बात करते हैं भोपाल उत्तर विधानसभा सीट की। इस विधानसभा सीट पर काफ़ी निर्णायक संख्या में मुस्लिम वोटर हैं, लगभग 35% के लगभग मुस्लिम वोटर हैं। उसके अलावा सेकंड पोजीशन जो अगर ओबीसी और जनरल कास्ट के वोटर्स की मिलाकर देखें तो लगभग 54% ये जो वोटर्स हैं वो जनरल कास्ट और ओबीसी के हैं। और तीसरा जो वोट बैंक है यहाँ पर एससी वोटर्स का है। यहाँ पर एससी वोटर्स भी काफ़ी संख्या में है कुल मिलाकर। लेकिन ये जो उत्तर विधानसभा सीट है वो मुस्लिम डोमिनेटिंग है। यहाँ पर मुस्लिम वोटर काफ़ी बड़ी संख्या में है और निर्णायक भूमिका निभाते हैं। यहां पर आपको बता दें कि लगभग 65% के अराउंड वोटिंग हुई है। तो ये थोड़ा सा परसेंटेज बैरसिया के लिहाज से कम है, लेकिन 65% वोटिंग हुई है और ये माना जा रहा है कि इसमें से मैक्सिमम वोटिंग जो हुई है वो दिग्विजय सिंह के फेवर में जा सकती है। हालांकि थोड़ी देर बाद ये पता चलेगा कि इस विधानसभा क्षेत्र से किसको ज्यादा वोट मिला था, लेकिन 65% वोटिंग अगर दिग्विजय सिंह के फेवर में मैक्सिमम जाती है तो काफी बड़ा फर्क लोकसभा पर पड़ सकता है। बात करते हैं नरेला विधानसभा सीट की। यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में यानी कि डोमिनेटिंग जो संख्या है वो आप देख सकते हैं ओबीसी वोटर्स की है। लगभग 68% ओबीसी वोटर्स हैं जो काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं, यानी कि जिसको इस वर्ग का वोट मिल जाता है वो जीत उसकी सुनिश्चित होती है। और ये माना जा रहा है कि ये भी बीजेपी का गढ़ है। हालांकि यहाँ पर 20% आप देख सकते हैं मुस्लिम वोटर्स भी हैं जो काफ़ी बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन ये जो एक बड़ा फैक्टर है ये वोट बैंक जिसके खाते में जाएगा वो पूरी भोपाल लोकसभा सीट में काफ़ी लीड ले सकता है। अब बात करते हैं भोपाल दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट की। हालांकि यहां पर इस बार वोटिंग परसेंटेज देखा जाए तो काफ़ी कम हुआ है, लगभग 60% के करीब वोट हुई है। लेकिन यहां पर जो एक वोटर है जो वो एक गवर्नमेंट क्लास का वोटर काफ़ी बड़ी संख्या में है और उसमें भी ओबीसी और सवर्ण या कहा जाए अनारक्षित वोटर हैं वो सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या में है और वो ही सबसे ज़्यादा निर्णायक भूमिका निभाते हैं। यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स लगभग 4% है, काफ़ी कम संख्या में है। इस सीट पर फिलहाल कांग्रेस के विधायक जीते हैं। इसके बावजूद अगर ये जो वोटर वर्ग है जो सवर्ण और ओबीसी का मिला जुला वोटर वर्ग है वो अगर इस बार जिसके भी फेवर में वोटिंग करता है वो काफ़ी लीड ले सकता है। माना जाता है कि ये जो सीट है वो बीजेपी का कभी गढ़ रही है और यहाँ से बीजेपी डोमिनेटिंग वोटर निकलता है तो ये जो परसेंटेज है ये भी काफ़ी बड़ी भूमिका निभा सकता है भोपाल लोकसभा सीट के लिए। भोपाल मध्य विधानसभा क्षेत्र की, ये भी मुस्लिम बहुल इलाका है। यहाँ पर वोटर्स जो हैं वो मुस्लिम वोटर्स लगभग 45% के करीब हैं और वो डोमिनेटिंग है। आप देख सकते हैं जो भी यहाँ पर अभी तक जो विधायक चुने गए हैं वो कांग्रेस के वो मुस्लिम समाज से आते हैं तो ये वोटर्स हैं जो काफी डोमिनेटिंग हैं। हालांकि यहां पर वोटिंग का परसेंटेज आपको दिखा दे काफी कम हुआ है, लगभग 60% हुआ है। दूसरी सीटों के कंपैरिजन में ये भी एक तरह से कम है, लेकिन आपको बता दें ये वोटिंग के बाद ये माना जा रहा है कि ये जो वोट हुआ है वो अगेंस्ट बीजेपी हो सकता है, जिस तरह से हमने फील्ड में जाके बात की थी। तो ये वोटिंग परसेंट अगर इसमें से कांग्रेस भी मान रही थी कि उत्तर विधानसभा क्षेत्र से उनको ज़्यादा वोट मिलेंगे तो कुल जमा 60% के अराउंड वोटिंग हुई है और उसमें भी 45% मुस्लिम वोट है, जिसमें से हालांकि बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा ने भी काफ़ी कोशिश की है, लेकिन ये परसेंटेज फिगर ये मान लिया जाएगा कि इसमें से मैक्सिमम वोट जो है वो कांग्रेस के खाते में जाने वाले हैं।
गोविंदपुरा विधानसभा सीट की ये सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती है और यहाँ पर बीजेपी के लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से काफी ज्यादा उनको वोट मिल सकते हैं। हालांकि यहाँ पर भी वोटिंग परसेंटेज काफी कम रहा, आप देख सकते हैं लगभग 59 पॉइंट समथिंग या 60% के करीब यहाँ पर वोटिंग हुई है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग सवर्ण और ओबीसी वोटर्स हैं जो लगभग 70% के अराउंड है। इसके अलावा मुस्लिम वोटर्स की संख्या यहाँ पर काफी कम है, आप देख सकते हैं लगभग 3% के अराउंड में मुस्लिम वोटर्स हैं, तो वो डोमिनेटिंग नहीं है। लेकिन बीजेपी यहाँ से मान के चल रही है कि इस विधानसभा सीट से उसको ज्यादा वोट मिलेंगे और यहाँ से वो लीड लेने की कोशिश करेगी। हुजूर विधानसभा सीट की ये भी बीजेपी का गढ़ मानी जाती है, भोपाल लोकसभा सीट की काफ़ी इंपॉर्टेंट सीट है। यहाँ पर भी ओबीसी वोटर्स और सवर्ण वोटर्स की तादाद काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन सिंधी वोटर्स काफ़ी ज़्यादा है जो कहीं ना कहीं बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। फिलहाल यहाँ से बीजेपी के ही विधायक हैं और यहाँ पर वोटिंग जो हुई है आप देख सकते हैं लगभग 67% वोटिंग हुई है, तो ये वोट भी बीजेपी एक्सपेक्ट कर रही है कि इसमें से मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट जो है वो बीजेपी के खाते में जाएंगे। हालांकि यहाँ पर कुछ मीना समाज के भी वोटर्स हैं और एससी वोटर्स भी हैं जो दोनों ही पार्टियों को जा सकते हैं, लेकिन बीजेपी इस हुजूर विधानसभा सीट से काफी बड़ी संख्या में वोट मिलने की उम्मीद कर रही है। और बात करते हैं सीहोर विधानसभा सीट की, जो कि काफी महत्वपूर्ण सीट है और सबसे ज्यादा वोटिंग भी इसी सीट पर हुई है और दोनों ही दलों की निगाहें इसी विधानसभा सीट पर लगी हुई है कि यहां पर जो लगभग बंपर वोटिंग हुई है 76-77% जो वोटिंग हुई है उस वो किसके खाते में जाने वाली है। आपको बता दें कि फिलहाल इस सीट पर बीजेपी का डोमिनेशन है, बीजेपी के बहुल यहाँ पर विधायक भी हैं और ये माना जा रहा था, बीजेपी एक्सपेक्ट कर रही थी कि अगर यहाँ पर बंपर वोटिंग होती है तो वो उसके खाते में जाएगी। यहाँ पर ओबीसी और जनरल कास्ट के जो वोट्स हैं वो काफ़ी बड़ी तादाद में 70% से ज़्यादा, और एक और महत्वपूर्ण फैक्टर है ब्राह्मण वोट जो है वो भी यहाँ पर लगभग 9-10% के बीच में है जो कि डोमिनेटिंग है और यहाँ पर किसी भी निर्णायक स्थिति में किसी भी कैंडिडेट को ले जा सकते हैं। मुस्लिम वोटर भी लगभग 9-10% है और वो भी निर्णायक स्थिति में है, लेकिन ये माना जा रहा है बीजेपी ये उम्मीद करके चल रही है कि जो इतनी बंपर वोटिंग हुई है वो कहीं ना कहीं सीहोर लोकसभा विधानसभा सीट से उसके फेवर में जा सकती है और इसका फायदा बीजेपी लीड लेने में कर सकती है। तो ये थी भोपाल की 8वीं विधानसभा सीट के बारे में आपको बता रहे थे कि किस तरह का क्या गणित है, क्या जातीय समीकरण है और कौन सी पार्टी किस विधानसभा सीट से उम्मीद कर रही है कि वहां से उसको लीड मिलेगी। भोपाल लोकसभा सीट पर फिलहाल प्रज्ञा भारती, प्रज्ञा सिंह ठाकुर और दिग्विजय सिंह दोनों के बीच मुकाबला है और कुछ ही घंटों में कुछ ही मिनटों में ये साफ हो जाएगा कि इस सीट से कौन सांसद बनने वाला है।